श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 13 नवंबर को एम्स दरभंगा का जो शिलान्यास करने आ रहे हैं, जो लाखों की संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनावे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को सुने। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उस मंच पर आएंगे, उनका भी सुने। और नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एसटी न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। उनका ये दौरा 13 नवंबर को होगा। नरेंद्र मोदी के इस दौरे से बिहार को मिलेगा दूसरे एम्स के शिलान्यास का सौगात। यह बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एम्स के शिलान्यास के सिलसिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा में होंगे। ये वही एम्स है जिसको लेकर खूब बवाल मचा था। यही वो एम्स है जिसको लेकर जदयू और बीजेपी में तनातनी भी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि इस एम्स के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भाषण कर रहे थे और भाषण करने के दरमियान उन्होंने गलती से ये कह दिया कि जो एम्स है दरभंगा का वो भी बन गया है, जिसको लेकर तब विपक्ष में मौजूद जदयू ने खूब हंगामा मचाया था। लोग उस एम्स के लोकेशन पे पहुंचने लगे थे जहां पर अस्पताल बनने की बात कही गई थी, और वहां पर जो खेत है उसे दिखा दिखा कर ट्रोल कर रहे थे कि देखो कितना बड़ा कितना भव्य एम्स बना है। लेकिन अब सारा मामला सुलट गया है, एक बार फिर से एनडीए में जदयू और बीजेपी साथ में है, तो ऐसे में दरभंगा एम्स का रास्ता पूरे तरीके से साफ हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को बिहार दौरे पर होंगे, बिहार के दरभंगा में होंगे और वहां से वो शिलान्यास करेंगे। उनके शिलान्यास को लेकर क्षेत्र के सांसद गोपाल जी ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 13 नवंबर को एम्स दरभंगा का जो शिलान्यास करने आ रहे हैं, उसी के निमित्त आज बेनीपुर विधानसभा के बिरौल प्रखंड के विभिन्न गांवों में मातृ शक्तियों के बीच में अक्षत वितरण कर आम लोगों को आह्वान किया है, जो लाखों की संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनावे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को सुने। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उस मंच पर आएंगे, उनका भी सुने। और निश्चित रूप से यह काम ऐतिहासिक हुआ है, इसलिए सारे मिथिलावासी 13 नवंबर को दिन के 9 बजे आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद। किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा दौरे को लेकर इन्फॉर्मेशन दिया है गोपाल जी ठाकुर ने, और इन्फॉर्मेशन देते हुए उन्होंने कहा है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पूरे जिले भर के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग यहाँ पर आए और देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करें और उन्हें ऐसा लगे कि बिहार में उनकी मजबूती है। वैसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जी के साथ। धन्यवाद।